चैंपियंस लीग नाइट्स, और अगेन अच्छा मुकाबला हमको देखने को मिला कल पीएसजी बार्सिलोना का। 3-2 पे मैच खत्म हुआ यहाँ पे। 3 गोल यहाँ पे बार्सिलोना ने किए, 2 गोल पीएसजी ने किए। पीएसजी के होम पे खेला गया, पेरिस में खेला गया मैच, और बार्सिलोना ने आप देख सकते हैं कि अवे जाकर के यहाँ पे लीड जनरेट करी है, अपनी लीड हासिल करी है यहाँ पे उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है उनके लिए। अब जब भी कैंप नू पे पीएसजी आएगी यहाँ पे खेलेगी, बार्सिलोना को सिर्फ एक तो डिफेंड ही करना है, और अगर एक आध गोल को यहाँ पे मारते हैं तो ईजी चांस उनके पास में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेलने का, और सेमीफाइनल नहीं हो सकता है कि उनके पास में एटलेटिको आए या डॉर्टमुंड आए। अभी एटलेटिको डॉर्टमुंड वाले मैच की अगर बात करें यहाँ पे, तो 2-1 की स्कोर लाइन रही, हालांकि मैच ज़्यादा दिखा नहीं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम था कि एटलेटिको के पास चांस रहेगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे चांस को और वही जीतेंगे यहाँ पे। हालांकि एंड में आकर कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड ने भी एक गोल किया, और अगेन उनके पास में लास्ट में भी चांस था, बट उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया यहाँ पे। और वही है आपकी मतलब कि एटलेटिको अगर अब जो सेकंड लेग है उसमें खेलेगी मैच, तो वो पाक द बस वही वाला शायद से अपना रूल आजमाएंगे वो, और डिफेंड और लो ब्लॉक की उनकी टीम खेलेगी यहाँ पे। बार्सिलोना के लिए आप बोल सकते हैं कि ईजी रन ऑफ फिक्स्चर अब हमको देखने को मिलेगा फाइनल तक अगर उनको खेलना है यहाँ पे, तो अब सेकंड मैच में सिर्फ सेकंड लेग में जो है उनको पीएसजी के अगेंस्ट बस लीड जनरेट करके रखनी है, अपनी लीड बचा के रखनी है अपनी यहाँ पे, और 1-2 गोल अगर वो करते हैं तो ईजी चांस रहेगा उनके पास में। कल जो है पेड्री ने काफ़ी अच्छा खेला, लेवांडोव्स्की ने भी अपना गेम थोड़ा ठीक किया, मतलब बोल सकते हैं कि जब से आप बोल सकते हैं कि जावी के डिपार्चर की बात हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी उनकी टीम यहाँ पे खेलती देखने को मिल रही है हमें। 17-18 साल का एक और उनका यंगस्टर प्लेयर है, उनका नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है वैसे, उन्होंने कल काफ़ी अच्छा खेला है, और रफीनिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, पेड्री का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे बार्सिलोना की साइड से। और अगेन आप बोल सकते हैं कि पीएसजी की साइड से बस एम्बापे का ही नाम को ध्यान आता है, उन्होंने आप बोल सकते हैं कि फिर भी कोशिश करी, बट वही था कि उनको शांत रखा गया यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप बोल सकते हैं डेम्बेले मतलब बार्सिलोना को छोड़ के गए हैं बार्सिलोना की साइड से, मतलब कि पीएसजी के साइड से उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारा, तो वो भी मतलब बार्सा फैंस के लिए थोड़ा बहुत ये लगेगा कि डेम्बेले ने हमारी साइड से कभी इतने चांस कन्वर्ट नहीं किए, मिस किए, हमेशा मैचेस मिस किए, बट हमारी साइड हमारे लिए मतलब उन्होंने गोल किया। जब उन्होंने गोल मारा था तब शायद से मतलब कि 2-1 की स्कोर लाइन शायद से उस समय पर थी, और बाद में अगर हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है कमबैक किया बार्सिलोना ने, और 3-2 यहाँ पे किया यहाँ पे बार्सिलोना ने, तो ये काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मैच देखने को मिला हमें अगेन। और बार्सिलोना का बस अब यही है कि अब उनको कहीं ना कहीं बस लीड अपनी बचा के रखनी है यहाँ पे, और उनके लिए आप बोल सकते हैं फाइनल मुकाबला काफ़ी शानदार हो सकता है कि फाइनल मुकाबले तक वो पहुँच सकते हैं चैंपियंस लीग के। इतने सालों के बाद में वो अब जो क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, इतने सालों के बाद में हो सकते हैं सेमीफाइनल खेल रहे हैं, और शायद से वो फाइनल तक भी पहुँच सके। और जावी का जब मतलब अनाउंसमेंट हुआ है कि वो मैनेजर पोस्ट जो है बार्सिलोना की अपनी जाने वाले हैं, तो तब से टीम काफ़ी अच्छा खेल रही, चाहे वो लीग में बोल लीजिए चाहे चैंपियंस लीग में बोल लीजिए, तो काफ़ी अच्छा डिलीवर कर रहा है उन्होंने अभी तक यहाँ पे। और बार्सिलोना फैंस के लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा समय है उनके लिए अभी, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके हमें एटलेटिको बार्सिलोना देखने को मिले या डॉर्टमुंड बार्सिलोना देखने को मिले, चांसेस बार्सिलोना एटलेटिको के देखने को मिल रहे हैं हमें, और बार्सिलोना हो सकता है कि वहाँ पे इजीली शायद से कहीं ना कहीं हरा सकती है उनकी टीम को भी यहाँ पे, एटलेटिको की टीम को, और फाइनल तक वो खेल सकती है। अगर मुझसे पूछे ड्रीम अगर फाइनल किसी का यूसीएल का हो सकता है, तो मैड्रिड बार्सिलोना होगा, और मैड्रिड वहाँ पे अपना 15 टाइटल जो है मतलब कि जीते यहाँ पे यूसीएल का, तो यही मतलब कि चैंपियंस लीग की बढ़िया एक स्क्रिप्ट लिखी जाएगी अगर लिखी जानी चाहिए तो, कि अल क्लासिको देखने को मिले हमें चैंपियंस लीग फाइनल, और जैसे मैड्रिड जीते बार्सिलोना हारे वहाँ पे, तो ये एक अच्छा मतलब कि देखने को मिल सकता है मुकाबला। और मैड्रिड का हालांकि अभी सिटी वाला मैच है, तो सिटी में भी पॉसिबल होगा कि सिटी जीते यहाँ पे, या और इंग्लैंड टीम भी हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, आर्सेनल और सिटी का यहाँ पे मुकाबला वो भी देखने को मिल सकता है हमें। बट वही है कि अभी आखिरी मैचेस में क्या होता है हम देखते हैं। आज लिवरपूल और एटलांटा का मुकाबला है, तो आज हमारी टीम यूरोपा में खेलेगी, तो भी उसके मैच की बात रहेगी, बात करेंगे आपसे वीडियो को लेकर के, मैच को लेकर जो भी कमेंट हो बताइए आपका। थैंक यू सो मच। जय जय भारत।